हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज़ पावर। तो आज हम जीके में स्टैटिक जीके उड़ीसा के बारे में कवर करेंगे। उससे पहले मेरा आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और उनको डिफरेंट एग्जाम्स में बेनिफिट हो। तो अभी शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, हम उड़ीसा के जो स्टैटिक्स चीज़ें हैं उसको आज कवर करेंगे। तो उड़ीसा का जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है, और ये सबसे बड़ा शहर भी है उड़ीसा का। और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, और गवर्नर जो हैं वो प्रोफेसर गणेशी लाल है, जो रिसेंटली कुछ महीने पहले ही अपॉइंट हुए हैं। और जो उड़ीसा डे मनाया जाता है वो 1 अप्रैल को उड़ीसा डे मनाया जाता है। और उड़ीसा का जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो है देवमाली हिल्स, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे उड़ीसा का इंटरनल एग्जाम्स हो स्टेट का, या फिर ऑल इंडिया एग्जाम में भी आ सकता है। और जो इंडिया का फोक डांस है जो काफ़ी फेमस है वो छऊ डांस है। और उड़ीसा का जो हाईकोर्ट है वो कटक में है। उड़ीसा के जो चीफ जस्टिस है उड़ीसा हाईकोर्ट के, वो जस्टिस कल्पेश सत्येंद्र जावेरी हैं। और जो उड़ीसा के नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 30 है, और जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो जगत सिंहपुर है, और जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो मयूरभंज है। और जो लोकसभा सीट्स हैं वो 21 सीट्स है लोकसभा का, और राज्यसभा का 10 सीट है। और उड़ीसा में जो असेंबली सीट्स है वो 147 है। और इंडिया में ऑल इंडिया बेसिस पे जो उड़ीसा का एरिया वाइज रैंकिंग है वो 9th रैंक है, जो साइज वाइज जो एरिया का रैंक है वो 9th है। और जो लिटरेसी रेट है वो 73.45 है, जो 2011 के जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। और जो हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है वो भुवनेश्वर है। और जो लैंग्वेज उड़ीसा का जो मेन लैंग्वेज है वो उड़िया है। और पॉपुलेशन वाइज जो उड़ीसा का ऑल इंडिया रैंक है वो 11th है, और सबसे जो बड़ा स्टेट है वो है यूपी, आप सभी लोग जानते होंगे। और जो रिवर्स और डैम्स है उसके बारे में बात करते हैं। जो रिवर है महानदी रिवर है, उसके ऊपर जो बांध बना हुआ है, डैम बना हुआ है, वो हीराकुद डैम है। और जो मुचकुंद रिवर है वो जलापुट डैम है, वो मुचकुंद रिवर पे बना हुआ है। और जोंक रिवर पे जो है वो पटोरा डैम है, पटोरा डैम। और ब्राह्मणी नदी पे रेंगाली डैम है, ब्राह्मणी नदी पे रेंगाली डैम है। और शंकर रिवर जो है शंकर नदी, उसके ऊपर मंदिरा डैम है। तो अभी जो लेक्स है उसके बारे में जान लेते हैं। जो उड़ीसा में जो काफ़ी फेमस लेक है वो चिलिका लेक है, जो पुरी और गंजाम डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, उस दोनों डिस्ट्रिक्ट को लगा हुआ है। और ये एशिया का जो लार्जेस्ट बैकलिस वाटर लैगून है, क्योंकि ये नमकीन जो लेक है और इसका एक हिस्सा समुंदर में जो बे ऑफ बंगाल में लगा हुआ है। और जो दूसरा लेक्स है उसमें है अंशुपा लेक, जो कटक डिस्ट्रिक्ट में है, और ये उड़ीसा का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। और एक है कांजिया लेक, जो कांजिया लेक है भुवनेश्वर के उत्तर की तरफ है, और नंदनकानन के पास ही है कांजिया लेक, नंदनकानन को सटा हुआ है, जो यहाँ का जूलॉजिकल पार्क है। अभी हम पावर प्लांट के बारे में बात करते हैं। तालचेर थर्मल पावर प्लांट जो है वो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पावर प्लांट, जो कि कोल के द्वारा इसका पावर प्रोडक्शन होता है। और आईवी थर्मल पावर स्टेशन जो है झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी कोल फायर्ड पावर प्लांट है, जो कोल से ही यहाँ का प्रोडक्शन होता है। और तीसरा है हीराकुद पावर प्लांट, जो संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी कोल फायर्ड पावर प्लांट है। इसके आगे हम स्टेडियम्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो बड़ा स्टेडियम है वो दो काफ़ी फेमस है। अभी रिसेंटली जो कलिंगा स्टेडियम काफ़ी फेमस हुआ था, क्योंकि इसमें हॉकी मैच हुआ था, वर्ल्ड कप हुआ था, तो ये भुवनेश्वर में है। और बारावटी स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए फेमस है वो कटक में है। और एक ईस्ट कोस्ट रेलवे स्टेडियम है जो भुवनेश्वर में है। इसके बाद हम नेशनल पार्क, बर्ड और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे। तो सिमलीपाल जो है ये नेशनल पार्क है,
और ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में है और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट है, जो टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है यहाँ पे है। और दूसरा है भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, ये क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। इसके अलावा इसमें पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक एविस एंड अदर कुछ चीज़ें भी है। उसके बाद सातकोसिया, सातकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, वो जो अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में है। और एक है हदगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क जो है, जैसे मैंने आपको बताया, भुवनेश्वर के पास ही है और इस यहीं पे ही कांजिया लेक है, ठीक है, इससे सटा हुआ ही कांजिया लेक है, तो आप देख सकते हैं इधर। उसके बाद सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नुआपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, उसके बारे में हम इम्पोर्टेंट जो टेम्पल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जो जगन्नाथ टेम्पल है वो तो वर्ल्ड फेमस है, पुरी में है, और कोणार्क टेम्पल भी इक्वली फेमस है जो कोणार्क में है। उसके बाद हम कुछ और टेम्पल्स की बात करेंगे क्योंकि ऐसे बहुत सारे टेम्पल्स आजकल डिफरेंट एग्जाम्स में आ रहे हैं, लगभग कंपलसरी टाइप है टेम्पल का नाम आना डिफरेंट एग्जाम्स में जो देखा गया है। तो ब्रह्मेश्वर टेम्पल जो है भुवनेश्वर में है, मुक्तेश्वर टेम्पल जो वो भी भुवनेश्वर में है, धवलेश्वर टेम्पल जो कटक डिस्ट्रिक्ट में है, और राजरानी टेम्पल वो भुवनेश्वर में है, चंडी टेम्पल वो कटक में है, और बिरजा टेम्पल वो जाजपुर में है, समलेश्वरी जिनके नाम से संबलपुर का नाम पड़ा है वो संबलपुर में है, और तारिणी टेम्पल वो जो केंदुझर डिस्ट्रिक्ट में है, तारा तारिणी वो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है, और खीरोचोरा गोपीनाथ जो टेम्पल है वो बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, और कालीजाई टेम्पल जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में है और लेक के अंदर ही है, ये अंबिका टेम्पल है वो बारीपदा में है। और जो काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन है कि कोणार्क टेम्पल जो काफ़ी वर्ल्ड फेमस है तो इसको किसने बनाया था, तो ये नरसिम्हा देव वन जो गंगर डायनेस्टी के थे उन्होंने इस टेम्पल को बनाया था। सो थैंक यू, आज इतने में ही रखते हैं। सो स्टे ट्यून, आगे जो मेरा वीडियो आएगा वो मैथमेटिक्स के ऊपर आएगा, और टाइम और वर्क का जो सेकंड पार्ट इसके बाद में लाऊंगा। सो थैंक यू। जाते जाते आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जो हम एक कोर्स कवर कर रहे हैं डिफरेंट अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए और कैंपस इंटरव्यू वगैरह के लिए, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक सीरीज़ में इसे समझ जान पाए और उनका कोर्स कवर हो। थैंक यू।